इतने साल में गांधी परिवार कहाँ था और अब कहाँ है, इसलिए हम इस पर कुछ कहना नहीं। मोदी जी जब से काशी में उन्होंने पैर रखा हुआ है और तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ्स पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में पंचम लहरा रहा है। मैं धीरज सिंह, सहकारिता प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार, चंद्रशेखर फाउंडेशन का मैं गुजरात का युवा अध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय हिंदू महासभा गुजरात प्रदेश अध्यक्ष। आज आप काशी आए हुए हैं, सावन का महीना चल रहा है, कैसा लग रहा है और क्या दर्शन वर्शन आप देखिए? देखिए अभी हमारा काशी का दौरा था, हमारा सहकारिता प्रकोष्ठ कॉपरेटिव का भी मीटिंग था, उस सिलसिले में मैं बनारस आया हुआ था और बाबा विश्वनाथ के नगरी है और सावन का वही पवित्र मास है। आज सारंग महादेव का भी हमने दर्शन किया और दर्शन पूजन करके वापिस गुजरात जाने का प्रोग्राम है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है, विपक्ष की कई बैठकें जारी हैं, वहीं कहा जा रहा है कि इस बार दिल्ली का रास्ता पटना से नहीं न लखनऊ से काशी से होकर जा रहा है, राजा उसी काशी के प्रधानमंत्री को खड़े प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र। देखिए उत्तर प्रदेश में 2014 से ही जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी क्षेत्र से चुनाव लड़ा हुआ था तब से ही उन्होंने एक स्लोगन नारा दिया हुआ था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया हुआ है। आज 2024 लगातार भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी जब से काशी में उन्होंने पैर रखा हुआ है और तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ्स पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में पंचम लहरा रहा है और 2019 के मुकाबले 2024 में इससे भी बढ़िया परिणाम जो है उत्तर प्रदेश से हम भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, ऐसा हमारा और हमारे संगठन का कहना है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को बेरहमी से पीटा जाता है और अभी तक सरकार भी मौन है और नीतीश कुमार इस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लगातार बीजेपी पे हमला हो रहा है, यही अगर दूसरे राज्यों में होता तो लोग कहते हैं कि बीजेपी हमला करा रही है। देखिए अभी चुनाव सामने है, इन लोग पूरे सारे विपक्ष जो है कांग्रेस है बसपा है आरएलडी है सपा है सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और उनका जो चरित्रहीन चेहरा है वो कल सबके सामने आ गया कि इन लोग अपनी दुकान चलाने के लिए सारे विपक्ष इकट्ठा होकर के इस तरीके से षड्यंत्र कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर या माननीय योगी जी के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं इस कल वो सबके सामने आ गया। आप गुजरात से आ रहे हैं, गुजरात के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, गुजरात और काशी में कितना बदलाव? देखिए हम लोग 2000 से जब से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से हम लोग उस धरती पे हैं और जो गुजरात मॉडल पे चुनाव माननीय प्रधानमंत्री जी ने लड़ा हुआ था वही गुजरात का विकास आज पूरे समूचा उत्तर प्रदेश में न कि पूर्वांचल में पूरे समूचा उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है, ऐसा हमारा और हमारे संगठन का कहना है। क्या लगता है 2024 के लेकर किस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बनाई जा रही है? विपक्ष की बैठकें लगातार जारी है, कहा जा रहा है कि इस बार 24 में सफाया होने जा रहा है। देखिए कहने के लिए तो पार्टी है, विपक्ष है, विपक्ष कुछ भी करे पर ऐसा कुछ नहीं है। 2024 का जो कैंपियन है चुनाव का माननीय उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के निर्देशानुसार पे ये 2019 से 2024 में अच्छा परिणाम आएगा और पूरी जनता की पुकार पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की पुकार है कि इस बार जो है माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लोकसभा का लड़ा जा रहा है उसमें 80 के 80 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएगी माननीय प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, ऐसा हमारा और हमारे संगठन का कहना है। देखिए राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, हम कुछ उन पर टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं लेकिन देश की जो जनता है वो जनता भली भूति जानती है कि इतने साल में गांधी परिवार कहाँ था और अब कहाँ है, इसलिए हम इस पर कुछ कहना नहीं चाहते।